पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य मेरे प्रिय भाई और बहनों आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबों को यीशु क्रिस्त जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और ईश्वर की भरपूर आशीष आपके जीवन में प्राप्त हो। क्रिसमस हमारे लिए आनंद मनाने का समय होता है, क्योंकि ईश्वर स्वयं हमारे बीच आकर निवास करते हैं। हम जैसे भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, ईश्वर हमसे प्यार करते हैं और क्रिसमस उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। इसलिए हमें प्रभु के प्यार को अपने जीवन में महसूस करने का एक अवसर होता है।
ईश्वर के प्यार को महसूस करने का एक अवसर होता है, जिसे हम अपने व्यक्तिगत जीवन में महसूस करते हैं, पारिवारिक जीवन में महसूस करते हैं और सामाजिक जीवन में भी महसूस करते हैं। इसलिए यह अवसर हमारे लिए विशेष रूप से ईश्वर की कृपा को, ईश्वर के प्रेम को महसूस करने के लिए और उसके लिए अपने आप को वचनबद्ध बनाने का समय होता है। तो आइए हम उसी ईश्वर के प्रेम को अपने जीवन में महसूस करने के लिए अपने आप को योग्य बनाएं। हम लोगों ने लगातार 3-4 सप्ताह हम लोगों ने गहन रूप से प्रभु के प्यार को महसूस करने के लिए अपने आप को तैयारी किया है। आज जब प्रभु हमारे बीच में विराजमान है, एक बार पुनः हम अपने आप के मन को देखें, अपने हृदय को देखें, अपने भावनाओं को देखें, अपने विचारों को देखें और यदि कोई त्रुटियां हैं, कोई कमियां हैं, कोई गलतियां हैं तो उनके लिए प्रभु से क्षमा मांगे। आइए प्रभु के प्यार को अपने जीवन में महसूस करने के लिए हम नतमस्तक होकर दया याचना का गीत गाएं। हे प्रभु दया करो हमारे ऊपर, दया करो। हमें प्यार किया है और प्यार का पहचान उसने अपने पुत्र को देकर किया है। आइए प्रभु का जयकार करते हुए प्रभु का धन्यवाद करें और बड़े आनंद के साथ में महिमा का गीत गाएं। स्वर्ग लोक में दूत संतगण प्रभु की महिमा गाए रे, धरती पर जन जन के मन में शांति प्रेम लहराए रे, शांति प्रेम लहराए। प्रभु की ही रचना है सारा यह सुंदर संसार हमारा, सारा जग उसका गुण गाए, आराधना में शीश झुकाए, शीश झुकाए, शांति प्रेम लहराए रे, शांति प्रेम मिटाए, पाप मिटाए, शांति प्रेम लहराए।
से प्रेम लहराए, आत्मा तथा पिता से मिलकर ईश तू ही सच्चे परमेश्वर, हमको दया की भीख दे ईश्वर, हम पर करुणा जल बरसा दे, जल बरसा दे, शांति प्रेम लहराए, महिमा गाए रे धरती पर जन जन के मन में शांति प्रेम लहराए रे, शांति प्रेम लहराए, शांति प्रेम लहराए रे। हम प्रार्थना करें इस मिसर पूजा बलिदान में भाग लेने के लिए। हम में से हर एक लोग अपने अपने निजी आवश्यकताओं को और मतलब को लेकर आए हैं, हम उनको प्रभु के सामने रखें और आज विशेष रूप से हम विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें, जहां पर एक देश दूसरे देश से लड़ाई कर रहे हैं और शांति का राजकुमार हमारे पूरे जीवन में, हमारे पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में और पूरे विश्व भर में शांति को कायम करने के लिए हमें मदद करे। आइए हम इसके मतलब के साथ साथ हम आश्रम के सभी मतलबों को प्रभु के पावन चरण में रखते हुए हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अद्भुत रीति से मनुष्य की गरिमा प्रदान की और उसके पतन के बाद अधिक कुशलता से उसका उद्धार किया। ऐसी कृपा करके हम अपने प्रभु यीशु के ईश्वरत्व के भागी बन जाएं, जो हमारे लिए मनुष्य बन गए। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, नबी इसायस का ग्रंथ अध्याय 52 पद संख्याएं 7-10 तक। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है, जो शांति घोषित करता है, सुसमाचार सुनाता है, कल्याण का संदेश ले आता है और सियोन से कहता है, तेरा ईश्वर राज्य करता है। इस प्रकार शुभ संदेश सुनाने वाले के चरण पर्वतों पर कितने सुंदर लगते हैं। यरूशलेम, तेरे पहरेदार एक साथ ऊंचे स्वर से आनंद के गीत गाते हैं। वे अपनी आँखों से देख रहे हैं कि प्रभु ईश्वर सियोन की ओर वापस आ रहा है। यरूशलेम के खंडहर आनंद विभोर होकर जयकार करें। प्रभु ईश्वर ने अपनी प्रजा को संतवाना दी है और यरूशलेम का उद्धार किया है। प्रभु ईश्वर ने समस्त राष्ट्रों के देखते देखते अपना पावन सामर्थ्य प्रदर्शित किया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है, यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। देखो चमका किस्मत का तारा, आया आया हरण हारा। देखो चमका किस्मत का तारा, आया आया हरण हारा। देखो चमका किस्मत का तारा। बचाने रास्ता दिखाने गोरा तेरे में चमका सितारा। देखो चमका किस्मत का तारा, आया आया हारा हारा।
दूसरा पाठ ईश्वर शताब्दियों तक नबियों द्वारा हमें शिक्षा देता रहा। अंत में उसने अपने पुत्र को हमारे पास भेजा। उस पुत्र ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया और अब वह ईश्वर के दाहिने विराजमान है। इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय एक पद संख्याएं 1-6 तक। ईश्वर हमसे पुत्र के मुख से बोला है। प्राचीन काल में ईश्वर बारंबार और विविध रूपों में हमारे पुरखों से नबियों द्वारा बोला था। अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। उसने उस पुत्र के द्वारा समस्त विश्व की सृष्टि की है और उसी को सब कुछ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। वह पुत्र अपने पिता की महिमा का प्रतिबिंब और उसके तत्व का पूरा प्रतिरूप है। वह पुत्र अपने शक्तिशाली शब्द द्वारा समस्त सृष्टि की रक्षा करता है। उसने हमारे पापों का प्रायश्चित किया और अब वह सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने विराजमान है। उसका स्थान स्वर्गदूतों से ऊंचा है, क्योंकि जो नाम उसे उत्तराधिकार में मिला है वह उनके नाम से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। क्या ईश्वर ने कभी किसी स्वर्गदूत से यह कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है और मैं उसके लिए पिता बन जाऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। फिर वह अपने पहलौठे को संसार के सामने प्रस्तुत करते हुए कहता है, ईश्वर के सभी स्वर्गदूत उसकी आराधना करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय एक वाक्य संख्या 1-18 तक। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। वह आदि में ईश्वर के साथ था, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वह ज्योति अंधकार में चमकती रहती है, अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। शब्द वह सच्ची ज्योति था जो प्रत्येक मनुष्य का अंधकार दूर करती है। वह संसार में आ रहा था, वह संसार में था, संसार उसके द्वारा उत्पन्न हुआ किंतु संसार ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने यहाँ आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। वे ना तो रक्त से, ना शरीर की वासना से और ना मनुष्य की इच्छा से, बल्कि ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया।
हमने उसकी महिमा देखी, वह पिता के इकलौते पुत्र की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। योहन ने पुकार पुकार कर उसके विषय में यह साक्ष्य दिया, यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा, जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे बढ़कर हैं, क्योंकि वह मुझसे पहले थे। उसकी परिपूर्णता से सबों को अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। संहिता तो मूसा के द्वारा दी गई है, किंतु अनुग्रह और सत्य यीशु ख्रीस्त द्वारा मिलती है। किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा, पिता की गोद में रहने वाले एकलौते ईश्वर ने उसे प्रकट किया है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसे मैंने पहले कहा था, क्रिसमस का समय हमारे लिए विशेष रूप से ईश्वर के उपहार को, ईश्वर की कृपा को, ईश्वर के प्यार को अपने जीवन में महसूस करने का एक सुनहरा अवसर होता है, और उसी प्यार को अधिक से अधिक जानने के लिए, पहचानने के लिए और महसूस करने के लिए कैथोलिक कलीसिया हमें 3-4 सप्ते का अवसर देती है, समय देती है, जहां पर हम वचनों पर मनन चिंतन करते हुए अपने आप को तैयार करते हैं। वह अवसर आ गया है जहां पर हम प्रभु को अपने बीच एक नन्हे बालक के रूप में पाते हैं, जो हमें शांति देने वाला है, जो हमें मुक्ति देने वाला है। हम लोग क्रिसमस के समय एक दूसरे से मिठाई का आदान प्रदान करते हैं, नए वस्त्र को एक दूसरे में बांटते हैं, पहनते हैं। यह केवल आदान प्रदान करने का ही एक माध्यम नहीं है, बल्कि एक अच्छा माध्यम होता है जहां पर हम ईश्वर के द्वारा प्रदत्त वरदानों को अपने जीवन में महसूस करने के लिए हम योग्य बन जाते हैं। जब हम प्रभु के उसी वरदान को अपने जीवन में पाते हैं, उस अमूल्य वरदान को एक बालक के रूप में पाते हैं, तो वह हमें और अधिक लालायित कर देता है कि हम अपने आप से आगे बढ़कर दूसरों के लिए उसी प्रेम को प्रकट करें। इसलिए जो भी मिठाई हम एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, वो ईश्वर के प्रेम की निशानी होती है। हम क्रिसमस के सुअवसर पर एक दूसरे को हम उपहार देते हैं, वो केवल उपहार मात्र नहीं है, बल्कि ईश्वर के प्रेम को महसूस किया हुआ एक उपहार होता है, जिसे हम अपने मनुष्य दृष्टिकोण से एक उपहार के रूप में एक दूसरे को देते हैं। हमें उससे ऊपर उठकर देखने, समझने और उसे अपने जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता है। चलिए आज हम लोग इस सुअवसर पर ईश्वर के द्वारा मिलने वाले उपहारों पर मनन चिंतन करेंगे। सबसे बड़ा उपहार है बालक यीशु, जो चरनी में लिटाया जाता है। वो हमारे जीवन में प्रकट होने वाला ईश्वर का सबसे बड़ा प्रेम का प्रमाण है। ईश्वर ने नहीं चाहा कि वह यरूशलेम के बड़े मंदिर में प्रभु को जन्म दे। ईश्वर ने यह भी नहीं चाहा कि वह किसी राजा रजवाड़ के यहां पर अपने पुत्र को भेजे, बल्कि ईश्वर ने ऐसे जगह को चुना जो सबसे एकांत है, सबसे हटकर है, भीड़ से हटकर है, भागदौड़ की जिंदगी से हटकर है। एक ऐसे एकांत को दर्शाता है जो संभवतः हमारे व्यक्तिगत जीवन को, हमारे सामाजिक जीवन को, हमारे पारिवारिक जीवन को दर्शाता है। हमसे ईश्वर यह कहना चाहते हैं कि तुम जिस भी परिस्थिति में हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, और उसी प्यार को लगातार अपने पुत्र के द्वारा हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में भेजते हैं। हम संत योहन के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य संख्या 16 में पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को उनके लिए अर्पित कर दिया। यही हमारे लिए क्रिसमस का सबसे बड़ा उपहार है। आज हम देखते हैं
एक देश दूसरे देश के साथ में युद्ध कर रहा है। जहां पर प्रभु का जन्म हुआ था आज वहां पर कुछ भी बचा नहीं है। लोग वहां से भाग गए हैं। सारा जो मकान था, जो घर द्वार था, सब कुछ उजड़ चुका है। आज सही मायने में प्रभु ऐसी अवस्था में जन्म लेना चाहते हैं, शांति का रूप लेकर, प्रेम का रूप लेकर, भाईचारा का रूप लेकर, मेल मिलाप का रूप लेकर। क्या हम प्रभु को अपने जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में आने और उसे स्वीकार करने के लिए सक्षम हैं? आज उसी प्यार को हमें एक दूसरे को बांटने की जरूरत है। जहां पर हम जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ाई से ऊपर उठकर हम ईश्वर के प्रेम को एक दूसरे में बांट सके। दूसरा सबसे बड़ा ईश्वर का उपहार है, वह है मुक्ति का उपहार। उसने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा, जिसे हम आज के पहले पाठ और दूसरे पाठ में भी पाया, जहां पर वचनों के द्वारा हमें बताया गया है कि किस प्रकार से ईश्वर की महती कृपा मनुष्य के जीवन में हुई। उन्होंने हमारे पाप को अपने जीवन में हर ढो लिया और हमें मुक्ति प्रदान किया। हमारे जितने भी असहनीय कुकर्म थे सभी को उसने वहन किया क्रूस के काट के द्वारा, और हमें मुक्ति का संदेश दिया, प्यार का संदेश दिया। तीसरा सबसे बड़ा उपहार है प्यार का उपहार, जिसे ईश्वर ने हमें दिया है। हम संत योहन के पहले पत्र अध्याय 3 वाक्य संख्या 1 पे पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, हमारे लिए अपना एकलौते बेटे को भेजकर उन्होंने हमें दिखाया है कि वे हमसे कितना प्यार करते हैं। क्रिसमस हमारे लिए प्यार की निशानी है, ईश्वर के अकथनीय प्रेम की निशानी है, जिसे उसने अपने एकलौते पुत्र के द्वारा हमें प्रदान किया है। आज उसी प्यार को हमें महसूस करना है। आगे हमारे लिए ईश्वर उपहार देते हैं, खुशी का उपहार। हम संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य संख्या 10 और 11 में पढ़ते हैं, जहां पर स्वर्गदूत गलीलियों के पास जाकर कहता है कि डरिए नहीं, मैं आप लोगों के लिए आनंद का संदेश लेकर आया हूं। वह आनंद कोई और नहीं, प्रभु यीशु है। वह आनंद कोई और नहीं, वही शब्द है जिनके बारे में आज हम लोग योहन के सुसमाचार में सुना। किस प्रकार से संत योहन शब्द का गुणगान करते हुए कहता है कि वह आदि में था, ईश्वर के साथ में था, और उसी के द्वारा हम सभी का निर्माण हुआ है, और उसी के प्यार के द्वारा हम सब चुने हुए हैं, और हम सब अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। और हम उसी प्यार को पाने के लिए जब हम उसी प्यार को पाते हैं तो हम ज्योति की संतान बन जाते हैं। वही प्रभु हमें आलोकित करता है। अगला उपहार हमारे लिए है शांति का उपहार, जिसे स्वर्गदूतों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ में गाया। ईश्वर की महिमा पूरे सर्वोच्च स्वर्ग में हो और पृथ्वी पर शांति उसके कृपा पात्रों को मिले। आज वही शांति का वरदान उपहार ईश्वर हम सभी को दे रहा है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का यह पर्व हमें अपने जीवन को आनंद से, शांति से, प्रेम से, प्यार से भरने का एक अवसर दे रहा है। हम जैसे भी और किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमें महसूस करना है, हमें उसे जानना है, पहचानना है कि ईश्वर मुझसे प्यार करता है। आज हमें निडर होकर साहस के साथ कहने की जरूरत है कि ईश्वर मुझसे प्यार करता है, ईश्वर मुझ पापी को प्यार करता है। और जब हम ऐसा कहने में समर्थ हो जाते हैं तो हम उनके पुत्र यीशु मसीह का प्यार अपने जीवन में पाते हैं, और उसी प्यार को एक दूसरे को देने के लिए लालायित हो जाते हैं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि जिस प्रकार से हम प्रभु के प्यार को अपने जीवन में पा रहे हैं, हम उसे दूसरों के जीवन में देने के लिए समर्थ हो पाएं। दूसरों को प्यार करते हुए, दूसरों का सम्मान करते हुए, दूसरों का आदर करते हुए, दूसरों को अपनाते हुए, और जहाँ पर एक ऐसा संसार का, एक ऐसा समाज का निर्माण करते हैं जहाँ केवल प्यार बसता है, जहाँ पर केवल ईश्वरीय अनुग्रह बसता है। आइए हम इस कृपा के लिए प्रभु से प्रार्थना करें।
आइए हम अपने विश्वास को प्रभु में प्रकट करते हुए कहें, मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टि करता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के एकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों से पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए, हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसिद्ध होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरितिक कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बात जोहता हूँ। आमीन। आइए हम बड़े आनंद के साथ में प्रभु की बलि वेदी के सामने अपने सारी प्रार्थनाओं को और निवेदनों को प्रभु के सम्मुख अर्पित करें और बड़े विश्वास के साथ में कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हमारे धर्म गुरु संत पापा फ्रांसिस, सभी पुरोहित गण, धर्म बहने और धर्म बंधुओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके सभी कार्यों में प्रभु की अगुवाई एवं आशीष मिलती रहे। वे हर समय पवित्र आत्मा के अभिषेक में रहे। कलसा रूपी भेड़ों की देखभाल वो भली भांति करते रहे। हे प्रभु, इन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर, हर प्रकार के बीमारियों से चंगाई मिले और प्रभु के प्रति ईमानदार और आज्ञाकारी बने रहे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इस हर्ष और उल्लास के दिन में, जब सबों के हृदय और जीवन में बालक यीशु जन्म लिए हैं और अपनी आशीष कृपा एवं खुशी से भर दिए हैं। हम सभी मानव इस आशीष और कृपा को अपने जीवन में मां मरियम की तरह संजोए रख सके, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इस ठंडे और जाड़े के मौसम में, जिसके लिए पर्याप्त कपड़ा नहीं है, सर ढकने के लिए छत नहीं है, उन सबों के लिए हम प्रभु प्रबंध करें उनकी ज़रूरतों की चीज़ों को, जिससे इस ठंड के मौसम में उन सबों को छत एवं कपड़ा मिल सके, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि 2023 में मिले सभी कृपाओं और आशीषों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपना विजयी दाहिना हाथ सबों के ऊपर बनाए रखे, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं सारे संसार में वचन की घोषणा हो, जो वचन के भूखे और प्यासे हैं उन तक वचन पहुँचे और वचन के अनुसार वे अपना जीवन व्यतीत कर सके, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि वह हमारे लिए अपने पुत्र को भेजा, जो हमारे जीवन में शांति का संचार करता है, प्रेम का संचार करता है। आइए इस क्षण हम उन सभी देशों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आपसी मतभेद और लड़ाई में व्यस्त हैं। बहुत सारे लोग अपने जीवन को गंवा चुके हैं और उनके देश में अशांति का माहौल है। हम
बालक यीशु से प्रार्थना करते हैं, जो शांति का राजकुमार है, वह इन सारे देशों में शांति का संचार करें, प्रेम का संचार करें, ताकि लोग लड़ाई को छोड़ करके एक दूसरे का सम्मान और एक दूसरे को प्यार दे सकें। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम पूरे भारतवर्ष के कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, कलीसिया की एकता के लिए प्रार्थना करते हैं, कलीसिया में शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। आज जब हम बड़े आनंद के साथ में प्रभु के जन्मोत्सव को मना रहे हैं, प्रभु कहीं पर भी किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, बल्कि प्रभु तेरे प्यार को, तेरे प्रेम को, तेरे शांति को हम वहन कर सकें और उसके अनुसार अपने जीवन को जी सकें। प्रभु जो भी लोग शांति भंग करना चाहते हैं, प्रभु उनके लिए भी तू अपने भंडार से शांति देना प्रभु, उनको प्रेम देना प्रभु, ताकि हम सभी कोई हर्षोल्लास के साथ में इस पावन अवसर में अपने पर्व को मना सके। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम आश्रम के सभी निवेदनों को और प्रार्थनाओं को प्रभु के पावन चरणों में समर्पित करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु की आशीष और कृपा लगातार आश्रम में स्वामी जी के ऊपर और सारे पुरोहित भाई और धर्म बहनों के ऊपर में और जितने भी लोग इससे संबंधित हैं सभी के जीवन में प्रचुर मात्रा में मिलती रहे। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम सब एक क्षण मौन होकर अपने अपने जो भी निजी आवश्यकताएं और मतलब है उनको प्रभु के सामने प्रस्तुत करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के वरदान के लिए, जो हमारा चरवाहा है, जो हमारा मार्गदर्शक है। आज उन्हीं के जन्मोत्सव को मनाते हुए हम अपनी सारी प्रार्थनाओं को तुझे समर्पित करते हैं। तू हमारी सारी प्रार्थनाओं को देख, तू हमारी सारी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर और अपने प्रेम के अनुरूप उन सबों पर आशीष और कृपा बरसा दे। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। लाओ बेटे क्या मैं चरनी ले, यीशु को देने, यीशु को देने। लाओ बेटे क्या मैं चरनी ले, यीशु को देने, यीशु को देने। आया हूँ अपना दिल, अपना दिल। लाया हूँ अपना दिल, अपना दिल। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों के यहाँ बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, इस समारोही दिवस पर हम तुझे अपनी भेंट अर्पित करते हैं, इसे सुग्राह्य बना दे। इसके द्वारा तुझे हमारी आत्मीयता पुनः स्थापित होती है और तेरी दिव्य आराधना की जाती है, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ।
प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि आदि शब्द के दे धारण के रहस्य द्वारा हमारे मन की आंखों पर तेरी महिमा की एक नई ज्योति चमकने लगी, ताकि हम उनमें ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन से उन्हीं के द्वारा अलौकिक वस्तुओं के प्रेम से प्रज्वलित हो जाएं। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरी महिमा करते हैं। प्रभु तू ही पावन है, प्रभु तू ही जीवन है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का तू है इकलौता। होसाना 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 होसाना। महिमा उसकी न्यारी है, महिमा उसकी न्यारी है, महिमा उसकी न्यारी है, महिमा उसकी न्यारी है। दूतों के संग हम मिलकर सब गाए होसाना 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 हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है।
हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष योजिन जोसेफ और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया को सुधीले तथा ऐसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र येसु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए एक बार पुनः हम उसी बालक यीशु से मिल करके, जिसने हमें पिता से जुड़ने का मार्ग बताया, प्रार्थना से जुड़कर पिता को जानने का मार्ग बताया, आइए बड़े आनंद के साथ में, बड़े उत्साह के साथ में उसी प्रार्थना को बड़ी भक्ति भाव से बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर, हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए परस्पर प्रेम भाव रखिए। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम सब तेरा शरीर और रक्त ग्रहण करने वाले हैं, यह हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने बल्कि तेरे दया से हमारा तन मन स्वस्थ और सुरक्षित रखे। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है, यही वह मेमना है जो हमारे बीच एक नन्हे बालक के रूप में विराजमान है। धन्य हम जो प्रभु के इस बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आगे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। तू जो चरणी में आया, मेरे दिल में भी आ जा। आज लगी तुझे पाने को, आ मुझ में समा जा। तू जो चरणी में आया, मेरे दिल में भी आ जा। तुझे
आवाज है, भक्तों की आवाज है, मैं तेरे संगीत दूर मानो टूटा साज है, मानो टूटा साज है, आजा मेरे यीशु राजा, भक्तों की आवाज है, भक्तों की आवाज है, मैं तेरे संगीत दूर मानो टूटा साज है, मानो टूटा साज है, प्रेम का एक तारा लेकर मन को जगा जा, जो चरणी में आया मेरे दिल में भी आ जा, आज सखी तुझ पाने को मुझे में समा जा, जो चरणी में आया मेरे दिल में भी आ जा, पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। हम प्रार्थना करें। हे दयालु ईश्वर, संसार के मुक्तिदाता ने आज जन्म लेकर हमें दिव्य संतति बनने का अधिकार दिया है, वही प्रभु हमें अमृतत्व का वरदान भी प्रदान करने की कृपा करे, वह युगानुग जीते रहते और राज्य करते हैं, आमीन। आज के इस पवित्र अवसर पर कैथोलिक कलीसिया आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करती है। हम सभी को यह आशीर्वाद लेने के लिए अपने सिर को झुकाएंगे। अनंत मुक्ति के ईश्वर ने अपने पुत्र के देहधारण द्वारा संसार का अंधकार मिटा दिया है और उसके महिमामय जन्म द्वारा इस परम पवित्र दिन को ज्योतिर्मय कर दिया है। वही ईश्वर आप लोगों के जीवन के दुर्गुणों का अंधकार दूर करे और आपका हृदय सद्गुणों की ज्योति से आलोकित करे, आमीन। ईश्वर ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुक्तिदाता के जन्म का शुभ संदेश गणरियों को दिया था, वही ईश्वर आप लोगों का हृदय आनंद से भर दे और आपको अपने सुसमाचार का अग्रदूत बनाए, आमीन। ईश्वर के शब्द ने देहधारण द्वारा पृथ्वी को स्वर्ग से संयुक्त कर दिया, वही ईश्वर आप लोगों को शांति और सद्भावना प्रदान करे और स्वर्गीय कलीसिया का सहभागी बनाए, आमीन। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। हम सब विदा लें, इस प्रेम में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। चलो चले हम बेथलहम को, इस राजा पैदा हुआ है, चलो चले हम बेथलहम को, इस राजा पैदा हुआ है, तू तो ने गाया ओ साना, तू तो ने गाया ओ साना, चरवाहों ने नमन किया है, चरवाहों ने नमन किया है, चलो चले हम बेथलहम को, इस राजा पैदा हुआ है, चलो चले हम बेथलहम को, इस राजा पैदा हुआ है। चमका एक अनोखा तारा, चौदिश गूंजा है यह नारा, चमका एक अनोखा तारा, चौदिश गूंजा है यह नारा, चमका एक अनोखा तारा, चौदिश गूंजा है यह नारा, चौदिश गूंजा है यह नारा, सब जन आओ शीश नवा, प्रभु का लाल है चरणी में आ।
चलो चले हमें दिल हमको इस राजा पैदा हुआ है। चलो चले हमें दिल हमको इस राजा पैदा हुआ है। तू तो ने गाया ओ सारा, तू तो ने गाया ओ सारा, चरवाहों ने नमन किया है, चरवाहों ने नमन किया है। चलो चले हमें दिल हमको इस राजा पैदा हुआ है। चलो चले हमें दिल हमको इस राजा पैदा हुआ है।